गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण क्लास फिफ्थ चैप्टर वन भाषा। बेटा सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा को जानेंगे। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ बोलते हैं वही तो भाषा होती है। हम दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। भाषा के बिना हम अपनी पूरी बात दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, भाषा। हैव यू गॉट, दोबारा रिपीट करते हैं, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। आइए बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं और बताती हूं आपको। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो खुश है या वो दुखी है तो वो अपने मन के भावों को किसी न किसी के सामने ज़रूर प्रकट करेगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर वो खुश है या वो दुखी है तो वो किसी न किसी से इस बात को शेयर ज़रूर करना चाहेगा, और यही करने का जो साधन होता है वही भाषा कहलाता है। बेटा भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है इशारा। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि सांकेतिक क्या होता है। जैसे कि बच्चों, अगर एक साल का बच्चा है तो वो कुछ बोल तो नहीं सकता है ना, तो वो अपने माता पिता को कोई भी बात समझाता है तो वो किसके ज़रिए से समझाता है, संकेतों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से। जब वो इशारों के माध्यम से समझाता है अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कोई भी बात, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सांकेतिक। इसी चीज़ को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसा कि बेटा चित्र में आपने देखा होगा कि एक अध्यापक है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक ने बच्चों को मौखिक रूप से बताया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों ने अध्यापक के शब्दों को सुना भी है और समझा भी है और अपनी कॉपी पर लिखा है। बच्चों का क्या जानते हैं कि अध्यापक ने शब्दों को कहने के लिए भाषा का प्रयोग किया और बच्चों ने भी भाषा के माध्यम से ही उनको समझा और सुना। भाषा का प्रयोग, देखिए हम भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। आजकल हम भाषा का कई तरह से प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने विचारों को अधिकतर बोलना या लिखना लिखकर प्रकट करते हैं। हम टेलीफोन पे अगर बेटा किसी से बात कर रहे हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप हो जाएगा, और अगर हम पत्र लिखकर किसी को अपनी बातों को समझा रहे हैं तो वो लिखित रूप। आइए आगे जानेंगे हम कि भाषा के कितने रूप होते हैं या फिर भाषा के कितने भेद होते हैं। चलिए बेटा, भाषा के निम्नलिखित दो रूप होते हैं। पहला है आपका मौखिक भाषा, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ओरल लैंग्वेज। दूसरा है आपका लिखित भाषा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम रिटेन लैंग्वेज। मौखिक भाषा, बच्चों हम बताएंगे आपको कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम बोलकर भाषा का प्रयोग करते तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। देखिए, जब हम कोई भी बात बोल रहे हैं ना, तो हमारा जो बोलना होता है वो हमारा मौखिक, क्योंकि मुंह के द्वारा बोला जा रहा है, तो वो हमारा मौखिक रूप कहलाया जाता है। और जब हम किसी चीज़ को लिखेंगे पत्र पर या किसी चीज़ पे, तो वो हमारी भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा, लिखित रूप कहलाएगा। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि हम पत्र या प्रार्थना पत्र आदि लिखकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है।